नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि गुरु आपके मजबूत हैं। गुरु अगर मजबूत नहीं है तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जो भी व्यक्ति खुद को भी क्योर करना चाहता है, आप देखना, अगर आपके गुरु कमजोर है, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, आप अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे। हर जगह आप तिरस्कृत किए जाएंगे और आपका दिमाग भी कैसा रहेगा, जिसे बोलते हैं छपरी टाइप लोगों का दिमाग। अगर गुरु आपके कमजोर हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, छोटी छोटी सी चीजों में आप अजीबोगरीब हरकतें करते दिखाई देंगे। अगर गुरु आपके मजबूत है, आपका पूरा व्यक्तित्व वजनदार होता है। सोचने में आपकी जो सोचने की शक्ति है बहुत अच्छी और गहरी होती है। आपने सुना होगा ना, गुरु हल्दी से जुड़े हैं। हल्दी जमीन के अंदर पैदा होती है, एकदम गहरी। गुरुवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके गुरु मजबूत बने, गुरुवार के दिन पीले कलर के ही कपड़े पहने। घर की उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में 3 गुलाब गेंदे के पौधे हमेशा लगा करके रखें और उस पर अगरबत्ती लगाएं और गुरुवार के दिन उस पर स्वच्छ जल, अगर गंगा जल मिश्रित जल आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गुरुवार के दिन जितना ज्यादा हो सके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। सुबह जब आप सो करके उठते हैं तब भी हथेली दर्शन करने के बाद 3 बार या 21 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, दोनों हाथ जोड़ करके गुरु बृहस्पति को प्रणाम करें। उसके बाद ही आप पृथ्वी पर कदम रखें। अगर किसी कारणवश आप भूल जाएं तो चाय पीने से पहले स्नान करने के बाद तुरंत ही गुरुदेव के 21 या 3 मंत्र को जरूर बोलें। आप देखेंगे दोस्तों, इससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा प्रभाव होना शुरू होगा। गुरुवार के दिन घर में हल्दी लाएं, गुरुवार के दिन हल्दी का दान करें। आपके गुरु मजबूत नहीं, जबरदस्त मजबूत बनेंगे। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।